हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाइन विद गीतू। और मेरा नहाना वगैरह सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है। अभी हिमांशु के पापा ऑफिस नहीं गए हैं, वो धो रहे हैं अपनी गाड़ी, क्योंकि उनकी गाड़ी गंदी हो रही थी। और उनके बॉस वगैरह भी आ रहे हैं, तो उनको गाड़ी साफ़ करनी तो बनती ही है। और दोनों के दोनों गाड़ी साफ़ करने में लगी हुई हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ किस तरीके से वो गाड़ी अपनी साफ़ कर रहे हैं। इधर हमारी सोसाइटी में एक आंटी हैं जिन्होंने अपने घर पे ही इतना सुंदर मंदिर बना रखा है ना, वे वहाँ पे गई थी और इतना सुंदर मंदिर था। अकेली आंटी हैं, पूजा वगैरह सब कुछ आंटी ही संभालती हैं। इतनी बुजुर्ग आंटी थी, मैं तो सच में हैरान रह गई थी कि इतनी सेवा आंटी कैसे कर पाती हैं। घर पे ही मंदिर बना रखा है, इतना सुंदर मंदिर था, मेरा तो दिल खुश हो गया। इतने बड़े बड़े गोपाल जी वहाँ पे रखे हुए थे ना, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, सच में बहुत प्यारे थे। और मैं वहाँ से आ गई हूँ, हिमांशु के पापा भी चले गए हैं ऑफिस के लिए, और हिमांशु मांग रहा है आज वाइट सॉस पास्ता, उसको पास्ता खाना है। तो मैं सोच रही हूँ कि ना उसके लिए बना देती हूँ, जो जो वो मांगेगा ना इन छुट्टियों में, मुझे सारी चीज़ें उसको बना करके देनी है, क्योंकि फिर तो वही है, रूटीन वही चालू हो जाएगा, सुबह जाना, दोपहर में आना, फिर ट्यूशन, फिर बच्चों को कहाँ टाइम मिल पाता है। तो इसलिए उसको वाइट सॉस पास्ता खाना है, तो मैं उसे उसको बना के देना है वाइट सॉस पास्ता। वो वेट कर रहा है, इंतज़ार भी कर रहा है मेरा कि मम्मा जल्दी बना दो, मुझे भूख लग रही है। तो चलिए मैं उसके लिए बनाती हूँ वाइट सॉस पास्ता, और उसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ में शेयर करने की कोशिश। इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और मुझे बनाना था वाइट सॉस पास्ता हिमांशु के लिए। गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई जो कि मुझे रेसिपी आपको देनी थी। अगर वाइट सॉस पास्ता की आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट कीजिए, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इधर हिमांशु के लिए मैंने अपने लिए पास्ता तैयार कर लिया है, और हिमांशु खा रहा है, देखते हैं उसको खाने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि हिमांशु को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं तो इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, उसको ही पसंद है, तो उसी के लिए मैंने ये बनाया था, और देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और हिमांशु खा रहा है अपना पास्ता, उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। ऐसी चीज़ें तो हिमांशु को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो अच्छे से खा भी लेता है ना हिमांशु, अच्छा है ना? हाँ, बहुत ही टेस्टी है सच में, और मैंने भी खा के देखा है, मुझे भी अच्छा लगा। आप लोग जरूर बनाइएगा। फुल रेसिपी तो मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं जरूर शेयर करने की कोशिश करूँगी अगली वीडियो में। और बस यही है, और काफ़ी अच्छा लगता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं यहाँ पर बारिश कब होगी, कब स्टार्ट होगी। वैसे तो अभी कहीं पर भी स्टार्ट नहीं, मुझे लग रहा है कि जून जून तो जाएगा ही ऐसे ही। और गर्मी का टेम्परेचर हर जगह ही काफ़ी ज़्यादा हाई है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, पता नहीं कब बारिश होगी। रोजाना बस इंतजार रहता है, एक बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। तो चलिए बस यही है, हिमांशु ने पास्ता खा लिया है, देखते हैं शाम तक क्या क्या हो पाता है, और जैसा भी आज का दिन होगा आप लोगों के साथ में शेयर करने की मैं कोशिश करूँगी। फिर उसके बाद में हस्बैंड आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे, तो मेरी यहाँ पे जाने की काफ़ी ज़्यादा इच्छा थी, क्योंकि घर के पीछे ही रेलवे स्टेशन था और यहाँ पे घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी था। तो मैं तो गई थी बस हल्का फुल्का घूमने के लिए, लेकिन इन्होंने पूरे स्टेशन पे मुझे घुमा दिया। ट्रेन वगैरह भी आ रही थी, मेरे घर से एकदम साफ ट्रेन आती जाती दिखाई देती है, और अच्छी भी लगती है सच में जब उसकी आवाज़ आती है ना। और ट्रेन यहाँ पर इतनी ज़्यादा भी नहीं चलती है कि इरीटेशन हो जाए, कभी कभी आती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत नहीं है इनकी आवाज़ों से। और हमें रात भी हो चुकी थी, हिमांशु हमारे साथ में नहीं था क्योंकि वो बच्चों के साथ में खेल रहा था पार्क में, और मैं उसको बोल करके आई थी कि हिमांशु हम लोग घूमने जा रहे हैं, चलना है तो चल, उसने मना कर दिया कि नहीं मम्मा मुझे खेलना है अपने दोस्तों के साथ में। उसका इतना ज़्यादा मन लग गया है यहाँ पर, उसकी मनपसंद के दोस्त मिल गए हैं। जब वो आया था ना यहाँ पे, तो उसको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं मैं वहाँ पे कैसे रह पाऊँगा, मेरे दोस्त बनेंगे नहीं बनेंगे, तो इस वजह से उसका अच्छे से मन लग गया है। इधर स्टेशन पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और हमारा घूमना भी आज अच्छे से हो गया था, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इनको टाइम मिला है, और जल्दी ये घर पे आ गए थे, क्योंकि जब से हम लोग इधर आए हैं इनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, काफ़ी लेट आते थे, तो आज जल्दी आ गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आज घूम घर के आएँ। स्टेशन भी काफ़ी अच्छा ही था, और आप लोग देख ही सकते हैं एक ट्रेन यहाँ पे, ये रेड वाली जो ट्रेन है परमानेंट खड़ी हुई है, पता नहीं किस वजह से, जो कि मेरे घर से बालकनी से साफ दिखाई देती है। किसी दिन मैं आपको जरूर दिखाऊंगी घर से। तो हम लोग आ गए हैं घूम के, मैं पहली बार गई हूँ, मुझे इंतज़ार था कि मैं जाऊँ यहाँ स्टेशन पे, मेरे घर के ही पीछे है,
अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा सा ही अंतर है, बिल्कुल यहीं से ट्रेन वगैरह सब कुछ दिखाई देती है, बिल्कुल नज़दीक है। तो मेरी इच्छा हो रही थी कि ये जल्दी आ जाएँ किसी दिन, तो मैं यहाँ पे जाऊँ घूमने के लिए। तो मैं खूब सारा घूम करके आई हूँ, कम से कम बहुत ही अच्छा लगा आज घूम करके, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है शाम के टाइम। तो बस घूम करके आ गई हूँ, बस मुझे खाना वगैरह बनाना है क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गया है, 8:30 के करीब हो चुके हैं, तो खाना भी तो बनाना है मुझे। अगर मैं वीडियो बनाती रह जाऊँगी तो बस गया, बन गया खाना, तो इसलिए और मैं इस व्लॉग को मैं यहीं पे बंद करती हूँ। शायद आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, और मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।